दोस्तों बिग बॉस OTT2 के लाइव फिर में इस वक्त घर के अंदर आपको बता दूं कि यहाँ पे जिया शंकर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आए। जी हाँ दोस्तों, उसके पीछे का कारण ये है कि एक बार फिर से अभिषेक मल्हान की तबीयत ख़राब हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, फिर से का मतलब इसलिए है कि एक बार उनका पहले भी हो चुका है OTT में आने के बाद, और अभी दोबारा से उनका तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा है। बताता हूँ पूरी खबर। अगर आप भी दोस्तों यहाँ पे अभिषेक के फ़ैन हैं, उनको पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मालूम चल सके कितने सपोर्टर्स हैं अभिषेक के, जो उनको सपोर्ट करते हैं, ढेर सारा प्यार करते हैं। मन लगता है दोस्तों ज़्यादा हेटर्स वीडियो देखते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए फिलहाल मैं आपको अपडेट देता हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे अभिषेक मल्हान और जिया शंकर के बीच की केमिस्ट्री जिस तरह से स्टार्टिंग में थी, उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है अभी अगर फिलहाल की बात कर ले तो, क्योंकि पहले दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बना था जो कि हमने स्टेज पे देखा, बट अभी जैसे उनकी सिनेरियो है बहुत अच्छा उनके बीच में बन रहा है, बातचीत भी हो रही है। तो उसी दौरान अभी यहाँ पे हालांकि जिया शंकर जो दूसरे लोगों के पास बैठे हुए हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से अभिषेक पे है, क्योंकि अभी यहाँ पे अभिषेक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है वो डाउन फील कर रहे हैं, जिसके वजह से वो जा कर के सो भी गए हुए हैं रूम में, और बिल्कुल सभी एक्टिव हैं लेकिन वो सिर्फ सोए हुए, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, मेरे में एकदम लग रहा है कि मेरे को एकदम स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, इसकी वजह से वो थोड़ी से परेशान नजर आ रहे हैं। जिसके बाद जिया शंकर भी अविनाश को बोलते हुए नजर आए कि यार अभिषेक को भी पता नहीं क्या हो गया, वो फिर से अभी तबीयत खराब हो गई। ना सिर्फ उन्होंने ये बात अविनाश को बोली बल्कि दो तीन लोगों को ये बात वो बोलते हुए नजर आए, जिससे साफ मालूम चल रहा है कि कितनी ज़्यादा वो केयर कर रही हैं कहीं ना कहीं। आपका क्या इस पूरे पे थॉट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना।